सुस्वागतम। घर में बैठे करो योग साधना। इस शिविर के 24वें दिन में आप सबका हार्दिक स्वागत। तो तैयार हो जाइए प्रार्थना के लिए। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठिए, हाथों की ज्ञान मुद्रा, पीठ और गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन शांत। प्रार्थना। से आंखें खोल दीजिए। पद्मासन छोड़ना है। एक, दो, तीन, चार। बैठक स्थिति से दंड स्थिति। एक, दो, तीन। सूर्य नमस्कार से शुरुआत करते हैं। सूर्य नमस्कार पूर्व स्थिति। एक, दोनों हाथ नमस्कार अवस्था में, दोनों पैर मिला लीजिए। पहला नमस्कार मैं अंक और पूरा वर्णन करते हुए करेंगे, बाद में सभी नमस्कार हम अपने अपने करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओम राम मित्राय नमः। लंबी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए आगे झुके। दो, सांस लेते बायां पैर पीछे। तीन, सांस रोकिए दूसरा पैर पीछे। चार, सांस छोड़ते अष्टांग जमीन पर। पांच, सांस लेते हुए भुजंगासन। छह, सांस रोकिए कमर ऊपर। सात, सांस रोक कर ही दाहिना पैर आगे। आठ, सांस छोड़ते झुक कर खड़े। नौ, सांस लेते हुए सीधे। दस, बहुत ही अच्छे। ओम ह्रीं रवये नमः। पांच, छः,
सात आठ नौ दस ओम हैं भानवे नमः चार पांच छः सात आठ नौ दस ओम ह्रों खगाय नमः सांस रोके कमर ऊपर सात एड़िया भी जमीन को लगाएंगे ठुड्डी गले में सांस रोक कर ही दाहिना पैर आगे आठ सांस छोड़ते झुक कर खड़े नौ सांस लेते सीधे दस बहुत अच्छे ओम ह्रीम मरीचये नमः चार पांच छः सात आठ नौ दस ओम ह्रूं आदित्याय नमः
भास्कराय नमः। सावधान, शवासन छोड़ना है, गर्दन सीधी, एक हाथ शरीर के पास, दो पैर मिला लीजिए, तीन। अब शयन स्थिति से ही हम अभ्यास करेंगे अश्विनी मुद्रा और नौकासन। तो पहले करते हैं अश्विनी मुद्रा, पहले सर्वांगासन इसकी पूर्व स्थिति है। सर्वांगासन के लिए तैयार, एक में सांस भरते हुए द्विपाद उत्तान पादासन, एक सांस छोड़ते हुए दोनों पैर सिर की तरफ, दो सांस लेते हुए सर्वांगासन पूर्ण, तीन। अब करेंगे अश्विनी मुद्रा, एक नंबर में दोनों पैर घुटनों से फोल्ड करें, एक दो के लिए सांस लें और सांस छोड़ते दोनों घुटने पेट पर लाएंगे, दो। यहाँ संत श्वसन और तीसरी अवस्था में मुद्रद्वार का आकुंचन प्रचलन करते रहिए, बहुत ही अच्छे, कुछ समय तक करते रहना है, मसल्स को खींचना है और ढीला छोड़ना है, खींचना है ढीला छोड़ना है, खींचना है ढीला छोड़ना है,
बस अब रुकना है, अश्विनी मुद्रा छोड़ेंगे, सांस भरते हुए दोनों घुटने ऊपर, दोनों पैर घुटनों से सीधे, तो सर्वांगासन छोड़ना है, सांस लें, सांस छोड़ते दोनों पैर सिर की ओर, सांस भरते भरते पीठ का एक एक भाग जमीन पर, दो सांस छोड़ते दोनों पैर जमीन पर, रिलैक्स। अब हम करेंगे मत्स्यासन, पैरों में अंतर, एक बायां पैर फोल्ड, दो दाहिना पैर फोल्ड, तीन दोनों हाथ ऊपर से कंधे के नीचे डालते हुए छाती ऊपर उठाइए, चार गर्दन पूरी अंदर कर दीजिए तालु जमीन पर, पांच में दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे, मत्स्यासन पूर्ण, संत श्वसन, छाती को ऊपर दबा के रखिए, खींच कर रखिए, गले की ओर ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छे मत्स्यासन। अब हम छोड़ेंगे दोनों हाथों के आधार से, पहले गर्दन सीधी, दोनों हाथ कमर की बाजू में, दो ऊपर का पैर सीधा, तीन दूसरा पैर सीधा, चार दोनों पैर मिला दीजिए, पांच रिलैक्स। इसी प्रकार और एक आसन हम करेंगे शैलसिद्धि से, नौकासन। नौकासन हम कोशिश करेंगे 15 सेकंड स्थिर रखने, तो शहनशक्ति से नौकासन करते हैं, पहले सांस छोड़े, सांस भरते हुए थोड़े से पैर ऊपर, उसी समय पीठ उठाइए, अब दोनों हाथों से पैर के अंगूठे पकड़ने की कोशिश, दो पैरों के अंगूठे नहीं पकड़ सकते हैं तो पिंडली को पकड़ लीजिए घुटने के पीछे, और वही स्थिर रहना है, अपने कमर के जॉइंट पर पूरा शरीर बैलेंस रखें, बहुत ही अच्छा प्रयास, कुछ समय और स्थिर रहेंगे, मन को शांत रखना है, तनाव ज़्यादा नहीं है, बैलेंसिंग की आवश्यकता है, बहुत ही अच्छी कोशिश। आप नौकासन छोड़ेंगे, पहले पीठ जमीन पर, पैर जमीन पर, दो रिलैक्स। अब हम कर रहे हैं शवासन, दो स्वस्थ, पूरी तरह विश्राम, मन शांत, शरीर ढीला छोड़ दीजिए, तनाव है कम करने की कोशिश, संत श्वसन, मन श्वसन, शरीर ढीला कर दीजिए, जो भी तनाव हुआ है शरीर में कम करने का प्रयास कर दीजिए, पूरा शरीर ढीला शांत, गर्दन पीठ कमर ढीली छोड़, पूरा शरीर जैसे जैसे ढीला होते जाएगा, सांस अपने आप मंद गति शुरू रहेगी, सावधान, शवासन छोड़ना है, गर्दन सीधी, हाथ शरीर के पास, दो पैर मिला लीजिए, तीन शयन स्थिति से बैठक स्थिति, एक दो बैठक स्थिति से विपरीत शयन स्थिति चलना, एक दो तीन चार पाँच छः, से अब हम अभ्यास करेंगे वक्रहस्त भुजंगासन, जो हमने सीखा हुआ है, इसे हमें 30 सेकंड स्थिर रखने का प्रयास करना है,
वक्रहस्त भुजंगासन तैयार हो जाइए। एक में अपने दोनों हाथ बाजू से गोल घुमा के छाती के पास रखेंगे, उसी समय माथा जमीन को लगा दीजिए, दोनों पैर जोड़ के ही रखते हैं और दो में सांस पहले छोड़नी है और सांस भरते भरते हाथों के आधार से थोड़ा ही ऊपर उठना है और फिर हाथों का आधार कम करते रहना है। शुरू करते हैं, दो सांस भरते भरते गर्दन उठाइए, छाती उठाइए, पेट का थोड़ा सा भाग ऊपर, उसी अवस्था में स्थिर श्वसन, मन शांत, वक्रहस्त भुजंगासन, कोशिश रहेगी शरीर का पूरा पूरा वजन पीठ पर लाने का, हाथ जस्ट जमीन पर। 15 सेकंड पूर्ण हो गए हैं, सिर्फ 15 सेकंड और हमें स्थिर रहना है, मन शांत रहे, पूरा शरीर स्थिर रखने की कोशिश करें, सिर्फ 5 सेकंड और स्थिर रहना है। बहुत ही अच्छी कोशिश, आसन छोड़ने के लिए सांस लें, सांस छोड़ते हुए शरीर नीचे, दो में दोनों हाथ बाजू से गोल घुमाते कमर के पास, दो रिलैक्स, शरीर ढीला, वक्रहस्त भुजंगासन आपने किए है। अब हम बैठक स्थिति में पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे, इसलिए पहले आते हैं बैठक स्थिति, दो चार पांच छह, बैठक स्थिति पूर्ण। अब हम बैठक स्थिति से पश्चिमोत्तानासन करेंगे, पश्चिमोत्तानासन कोशिश करेंगे 30 सेकंड स्थिर रखें। जैसे मैंने ये सारे आसन सिखाते समय आपको कहा है कि जो भी आसन जितना ज्यादा समय हम स्थिर रखेंगे उसके लाभ बढ़ते जाएंगे, इसलिए कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा समय स्थिर रखें। आज पश्चिमोत्तानासन 30 सेकंड करेंगे, ठीक है, तैयार हो जाइए। एक नंबर में लंबी सांस लें, सांस छोड़ते हुए आगे झुकते हुए हाथों से पैरों के अंगूठे को ठीक से पकड़ना है, कमर से आगे झुकना है, और तीन नंबर में सांस छोड़ी अवस्था में और नीचे झुकते हुए माथा घुटनों को लगाने की कोशिश। श्वसन आसन पूर्ण, सिर्फ 30 सेकंड हम स्थिर रहेंगे, घुटने सीधे रखेंगे, उनको बेंड नहीं करेंगे, भले माथा घुटनों को ना लगे पर घुटने ऊपर नहीं उठाएंगे। बहुत ही अच्छी कोशिश है, मन को शांत रखिए, शरीर ढीला छोड़ दीजिए, 15 सेकंड पूर्ण हुए हैं, अच्छा प्रयास है आप सबका, सिर्फ 15 सेकंड के लिए यह आसन हम और करेंगे। मन शांत जितना हो सकता है, शरीर ढीला, बहुत अच्छे, सिर्फ 5 सेकंड स्थिर रहना है, अच्छी कोशिश है आप सबकी, बहुत अच्छे। आसन छोड़ने के लिए पहले सांस छोड़े, सांस भरते भरते ऊपर आना है, दो में दोनों हाथ कमर की बाजू में, दो रिलैक्स, इसी अवस्था में शरीर ढीला कर दीजिए, बहुत अच्छी कोशिश। आगे का आसन जो है उसका अभ्यास हम करेंगे, पद्मासन योग मुद्रा प्रकार दो, इसका अभ्यास करेंगे, वो हमने पहले ही सीखे हैं। इस आसन को अब हम कोशिश करेंगे 2 मिनट के लिए स्थिर रखें, दोनों हाथ पेट पर रहेंगे, दबाव बढ़ता रहेगा, इसलिए अपने से जितना हो उतना करते रहना है, ज़्यादा तनाव होने लगा, ज़्यादा दबाव होने लगा, आप आसन को छोड़ सकते हैं। तो करते हैं हम पद्मासन योग मुद्रा, इसके लिए पहले करेंगे पद्मासन, पैरों में अंतर, एक दाहिना पैर फोल्ड, दो बायां पैर फोल्ड, तीन हाथों की ज्ञान मुद्रा, चार मन शांत, गर्दन सीधी। हम करेंगे पद्मासन योग मुद्रा प्रकार दो, दोनों हाथों के तरवे एक के ऊपर रखें, दोनों एक के ऊपर एक और अपने पेट के सामने, बहुत ही अच्छे। नंबर दो में पहले सांस ले, सांस छोड़ते छोड़ते कमर से आगे झुकना शुरू, दो आराम से करते रहिए जितना अपने से होगा, माथा जमीन को लगाने की कोशिश करनी है, जबरदस्ती से नहीं। आसन पूर्ण किया है,
यहीं कलावली गिन रहे हैं, सिर्फ 2 मिनट हमें गिनना है। क्योंकि अच्छी कोशिश बहुत सारे साधकों ने आदर्श अवस्था तक जाने का प्रयास किया है, जिनका माथा जमीन को नहीं लग रहा है वो कोशिश करते रहेंगे, जबरदस्ती ना करें, बहुत ही अच्छा प्रयास। शरीर पूरा ढीला छोड़े, पूरा ढीला छोड़े, एकदम रिलैक्स, आधा मिनट पूरा हुआ है, शरीर पूरा ढीला, जैसे कि शवासन चल रहा है। जैसे जैसे शरीर ढीला होता है तो अपना शरीर अपने आप ग्रेविटी फोर्स के कारण और नीचे आने लगता है और फिर माथा अपने आप जमीन को लगना शुरू हो जाएगा। तो ये अपने आप होने दीजिए, ज़्यादा जबरदस्ती से नहीं, क्योंकि अच्छी कोशिश अपने आसन बहुत ही अच्छी की है। 1 मिनट पूरा हुआ है, अब सिर्फ 1 मिनट इसी अवस्था में शांत बैठे, एकदम रिलैक्स। जैसे जैसे शरीर ढीला होगा हाथों से पेट पर अच्छा दबाव पड़ेगा और ये दबाव जो ऊपर ऊपर है वो अंदर के इंद्रियों तक पहुंचता है और अंदर के इंद्रिय है उनके लाभ बनने लगते हैं, उनकी कार्यक्षमता बहुत अच्छे से होने लगती है। आपकी कोशिश बहुत अच्छी है, सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं, सिर्फ 30 सेकंड, 1.5 मिनट का कालावधि आपने पूर्ण किया है, अब सिर्फ 30 सेकंड से रहना है। बहुत ही अच्छी कोशिश, एकदम शांत बैठे, एकदम शांत, सिर्फ 15 सेकंड, अच्छी कोशिश है सबकी, बहुत ही अच्छा प्रयास है। सांस अपने आप चलने दिए, सिर्फ 5 सेकंड बचे हुए हैं, अंतिम 5 सेकंड, बहुत ही अच्छे, कालावधि पूर्ण। आसन छोड़ने के लिए पहले सांस छोड़े, सांस भरते भरते आराम से ऊपर, छोड़ना है हाथ कमर के पास, 1, 2, नैना पर सीधा, 3, पैर मिला लीजिए, 4। अब करेंगे थोड़ा सा विश्राम, इसलिए बैठक स्थिति से शहन स्थिति चलेंगे, 1, 2, शवासन, पैरों में अंतर, 1, हाथ थोड़े से दूर, 2, गर्दन बाईं या दाहिनी तरफ, 3, स्वस्थ, पूरी तरह विश्राम, मन शांत, पूरा शरीर ढीला, अलग अलग आसन करते समय जो भी तनाव शरीर में हुआ है उसे कम करने की कोशिश, पूरी तरह विश्राम, शरीर में कोई हलचल नहीं, शव जैसे स्थिर शरीर, श्रमी जाति शवासनम, शवासन करने से शरीर के सारे श्रम कम होते जा रहे हैं। सावधान, शवासन छोड़ना है, गर्दन सीधी, 1, हाथ शरीर के पास, 2, पैर मिला लीजिए, 3, शहन स्थिति से अब आना है बैठक स्थिति, 1, 2, अब बैठक स्थिति से हम जो एक नया आसन सीखे हैं कंधे अर्ध मत्स्यंगासन, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। पहले अर्ध मत्स्यंगासन करेंगे, इसके बारे में सारी जानकारी मैंने आपको दी हुई है। मत्स्येंद्र नाम के ऋषि ने इस आसन को समाज के सामने रखा है, इसलिए इस आसन का नाम है मत्स्यंगासन, लेकिन वो कठिन है, आधी ही अवस्था हम करते हैं, इसलिए अर्ध मत्स्यंगासन। लाभ तो बहुत सारे हैं, स्पाइन जो है अपनी रीढ़ की जो हड्डी है पूरी हम ट्विस्ट करते हैं, उसके कारण पीठ का लचीलापन बढ़ने लगता है, क्योंकि दिन भर हम आगे पीछे ऐसे ही झुकते रहते हैं,
इसमें हम ट्विस्टिंग करते हैं जो कभी भी दिन भर होता नहीं है, इसीलिए पीठ का लचीलापन बढ़ता है, उसकी हेल्थ छोटे मोटे जो दर्द होते हैं पीठ दर्द कमर दर्द अपने आप कम होने लगते हैं। उसी के साथ इसमें अपनी जो मज्जा संस्था है मज्जा तंतु सारे स्पाइन के बीच में से पूरे शरीर में फैले हुए हैं, तो मज्जा संस्था की कार्यक्षमता बढ़ने के लिए भी यह आसन बहुत ही लाभदायक है। सावधानी इतनी बरते कि आराम से करें, जोर जबरदस्ती से नहीं करेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार आहिस्ता आहिस्ता उसमें तनाव आपको बढ़ाते हैं। ठीक है, तो करके देखेंगे आप, क्योंकि हमने कल उसको देखा भी है किया भी है, फिर एक बार हम करेंगे अर्ध मत्स्यासन। पहले हम करेंगे बाएं पैर से, फिर करेंगे दाहिने पैर से। तैयार हो जाइए बैठक स्थिति से, एक नंबर में बाया पैर घुटनों में खोल करके पास लाइए और दाहिने पैर की उस पार रखिए। दो नंबर में दाहिना पैर फोल्ड करें और बाई बैठक के पास। दो, तीन में अपना दाहिना हाथ घुटनों को पूरा दबा के पैर का अंगूठा पकड़ना है और पूरा ट्विस्टिंग करना है। तीन और चार नंबर की अवस्था में जो बाया हाथ है कमर पर लपेट लीजिए और गर्दन बाएं से पीछे कर दीजिए। चार, श्वसन मन शांत, पूरा ध्यान आसन की ओर। शुरू शुरू में आदर्श अवस्था नहीं होती है, लेकिन कोशिश करने से आहिस्ता आहिस्ता आसन ठीक से होने लगेगा। बहुत अच्छी कोशिश है आपकी, आसन हम छोड़ेंगे। पहले गर्दन सीधी करें, दोनों हाथ कमर के पास रखें, दो, जो दाहिना पैर है उसको सीधा करें, बायां पैर सीधा करें, चार। यही आसन हम दूसरे पैर से भी करके देखते हैं दाहिने पैर से। ठीक है, दाहिना पैर घुटनों में मोड़ कर पास ले आइए और बाएं घुटने के उस पार रखिए। छह, दो में बायां पैर घुटने से फोल्ड करें, दाहिनी बैठक के पास लाइए। दो, अब अपने बाएं हाथ से पूरा ट्विस्ट करना है और आगे के पैर में उसका अंगूठा पकड़ना है। दंड से घुटने को दबाते हुए वो ठीक से करना है आपको। ठीक है, शुरू में नहीं हुआ तो जितना होता है उतना करो और चार नंबर की अवस्था में अपना दाहिना हाथ कमर को लपेट दीजिए और गर्दन दाहिने से पीछे की ओर। चार, आसन खोलने के लिए संत श्वसन, पीठ सीधी है और ट्विस्ट है, उसको झुकाना नहीं है, कोशिश करें सीधी रखने की। बहुत अच्छा प्रयास है, जैसे जैसे हम करते जाएंगे कुछ दिन के बाद अपने आप आसन बहुत अच्छे से आप जोड़ कर पाओगे। ठीक है, आसन छोड़ने के लिए तैयार। पहले गर्दन सीधी करें, दोनों हाथ कमर के बाजू में, दो, बायां पैर सीधे, दाहिना पैर सीधे, चार, शरीर ढीला। अच्छा प्रयास, उसी जगह पर बैठे बैठे फिर ढीला कर दीजिए। इसके आगे का आसन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं त्रिकोण आसन दंड स्थिति से। तो चलो बैठा स्थिति से दंड स्थिति आना है। तीन, दो, तीन, दंड स्थिति में त्रिकोण आसन करेंगे, दोनों तरफ से करना है और एक मिनट के लिए स्थिर रखना है। अगर किसी को ज्यादा तनाव होने लगा हम अपना अपना आसन छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो पहले करेंगे बाएं पैर से, तो अपने मैट के दाहिने तरफ आ जाएंगे त्रिकोण आसन। एक में बायां पैर ज्यादा से ज्यादा बाईं तरफ, दो में बाएं पैर का तलवा बाईं तरफ घुमा दीजिए, दो, तीन में बायां घुटना फोल्ड कर 90 डिग्री में और बायां पैर भी पीछे, और चार में अपना दाहिना हाथ ऊपर से बाईं तरफ ले जाइए। चार, आसन पूर्ण कर लीजिए, संत श्वसन, पूरा शरीर एक तिरछी लाइन में है, त्रिकोण की जैसी अवस्था है। संत श्वसन करें, सिर्फ एक मिनट इस आसन में स्थिर रहना है। गर्दन जो नीचे झुकी हुई है उसको सीधा रखिए, उसे गिरने ना दे, शरीर के लाइन में उसके सीधे।
15 सेकंड पूर्ण हुए हैं या आसन में सिर्फ एक मिनट स्थिर रखना है। कमर जो है ज्यादा ऊपर नहीं रखें, नीचे नहीं, एक सीधी लाइन है। बहुत ही अच्छे है, घुटना गुरु ऊपर 90 डिग्री में है तो आसन बहुत अच्छे से होता है। 30 सेकंड पूरे हुए हैं, अब सिर्फ आधा मिनट इस आसन में हम गिर जाएंगे। बहुत ही लाभ इसमें हमें मिलते हैं, कमर के दोनों ज्वाइंट, घुटनों के ज्वाइंट, इसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के कारण सारी अशुद्धि निकल जाती है, वहाँ के टॉक्सिन्स आगे बहने लगते हैं। सिर्फ 15 सेकंड, बहुत ही अच्छा प्रयास, सिर्फ 15 सेकंड और स्थिर रहना है। आपकी कोशिश बहुत ही अच्छी है, स्थिर रहेंगे 5 सेकंड के लिए, अंतिम 5 सेकंड। अब हम आसन छोड़ेंगे, पहले अपना दाहिना हाथ जगह पर ले आइए। एक सांस लेते हुए घुटना सीधा करके खड़े होना है। दो, तीन में दाहिने बाएं पैर का तलवा सीधा, तीन और बायां पैर दाहिने पैर को छूता है, चार। अच्छे तनाव होती है, थोड़ा शरीर ढीला करें। इसी आसन को अब हमें दाहिने पैर से करना है, तो अपनी योगा मैट के बाईं तरफ आ जाएंगे, ठीक है। त्रिकोणासन के लिए तैयार, एक में अपना दाहिना पैर ज्यादा से ज्यादा दाहिनी हो, दाहिने पैर का तलवा दाहिनी तरफ घुमा दीजिए। दो, तीन में दाहिना घुटना फोल्ड करें और दाहिना हाथ पैर के पीछे, तीन और चार में बायां हाथ ऊपर से दाहिने तरफ, चार। नजर सामने, नजर नीचे नहीं गिरेगी, संत श्वसन, सिर्फ एक मिनट रहना है। बहुत ही अच्छी कोशिश है, अगर किसी का ठीक नहीं हुआ है सामने जो सह शिक्षक ने किया है उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दे। गर्दन देखो इनकी सीधी खड़ी है, नीचे नहीं गिरी हुई। 15 सेकंड पूर्ण हुए हैं, मन को शांत रखे, हाथ भी देखिए कैसे है, थोड़ा स्थिर रहना है। आगे का घुटना जो है 90 डिग्री, पीछे का घुटना सीधा। आधा मिनट पूरा हुआ है, सिर्फ आधा मिनट इस आसन में स्थिर रहेंगे। शांत जितना हो सकता है शरीर ढीला छोड़ना है, पर आसन की अवस्था ना बिगाड़ते हुए। अच्छी कोशिश, सिर्फ 15 सेकंड स्थिर रहना है। आप बहुत ही अच्छी कोशिश कर रहे हैं, उसके लाभ भी आपको जरूर अच्छे मिलेंगे। अंतिम 5 सेकंड बहुत ही अच्छे, कालावधि पूर्ण, आसन छोड़ना है। पहले बायां हाथ जगह पर, सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए। दो, दाहिने पैर का तलवा सीधा, दाहिना पैर बाएं पैर के पास, चार। बहुत अच्छे से आपने आसन किया है, हम थोड़ा विश्राम करेंगे। दंड स्थिति से बैठक स्थिति, एक दो तीन, शयन स्थिति, एक दो, शवासन करेंगे, एक दो स्वस्थ, पूरी तरह विश्राम, मन शांत, शरीर ढीला छोड़ने की कोशिश। त्रिकोणासन, अर्ध मत्स्यग्रासन, ये आसन करते समय जो भी तनाव शरीर में हुआ है उसे कम करने की कोशिश करें। इसीलिए मन का पूरा ध्यान शरीर पे, ध्यान से देखना है। गर्दन की ओर देखिए, गर्दन ढीली, पीठ की ओर ध्यान, पीठ ढीली, कमर की ओर ध्यान, कमर ढीली, दोनों हाथ ढीले, दोनों पैर ढीले। सावधान, शवासन छोड़ना है, गर्दन सीधी, एक हाथ शरीर के पास, दो पैर मिला लीजिए, तीन बैठक स्थिति में आना है, एक
तो यहाँ योगासन का अभ्यास पूर्ण करते हुए हम प्राणायाम को चलते हैं। तो पहले हम करेंगे, जैसे हमने जल श्वसन के अलग अलग प्रकार सीखे हैं ना, तो आज जल श्वसन प्रकार एक और जल श्वसन प्रकार छः, ये दोनों भी हम करके देखेंगे। तो कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठना है, पद्मासन, एक दो तीन चार, की ध्यान मुद्रा, फिर गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन शांत, संत श्वसन, जल श्वसन प्रकार एक, दोनों नासिका से पास करें। तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं। जोर से सांस ले, जोर से छोड़े, जोर से ले, जोर से छोड़े, जोर से ले, जोर से छोड़े, एक दो, एक दो, एक दो, अपनी क्षमता के अनुसार फास्ट करते रहे, जितना हो सकता है फास्ट। सांस लेते भी आवाज आ रही है, छोड़ते भी आवाज आ रही है, जोर जोर से रखे, थकान होने तक करना है। एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, शांत, सिर की तरफ ध्यान, चक्कर सा होना अपने आप कम हो रहा है, रिलैक्स। इसी प्रकार जल श्वसन प्रकार छः जो हमने सीखा है करके, उसको हम करके देखेंगे। आपको अभी याद है कि जल श्वसन प्रकार छः में बाएं से सांस लेनी है, दाहिने से छोड़नी है, दाहिने से लेनी है, बाएं से छोड़नी है, इस प्रकार अंकों के साथ जलन करने से, ठीक है। तो तैयार हो जाइए, दाहिने हाथ से प्रणव मुद्रा लगा लीजिए, दाहिनी नाक बंद कर दीजिए, जल श्वसन प्रकार छः शुरू करते हैं। बाएं से ले, दाहिने से छोड़े, दाहिने से ले, बाएं से छोड़े, बाएं से ले, दाहिने से छोड़े, दाहिने से ले, बाएं से छोड़े, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, पांच शुरू करें अपने अपने तरीके से, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, शुरू रखें। श्वसन, सिर में चक्कर सा हो रहा है, शांत होने दीजिए, रिलैक्स। सुलभ प्राणायाम अर्थात दीर्घ श्वसन के लिए तैयार, चार सेकंड में हम सांस भरते रहेंगे, आठ सेकंड तक उसे छोड़ते रहेंगे, और इसे हम कोशिश करेंगे 10 मिनट पूरा प्राणायाम करने की। किसी को बीच में थकान होती है थोड़ा रोक सकते हैं, आगे वापस शुरू कर सकते हैं, आंखें बंद ही रखिए। तैयार, पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन शांत, पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए, पीठ को सीधे रखते हुए बाकी शरीर पूरी तरह ढीला, सांस अपने आप धीमी गति चल रही है, इसी शांत अवस्था में दीर्घ श्वसन शुरू करते हैं। तैयार, सांस लें, एक दो तीन छोड़िए, एक दो तीन चार छोड़िए, एक दो
सांस ले, सांस छोड़े, सांस ले, सांस छोड़े, सांस ले। अपना अपना शुरू रखना है, पूरा ध्यान अपने प्राणायाम की ओर, सांस भरते समय संत गति से एक जैसी गति से पूरी हवा भरने का प्रयास, और उसी प्रकार सांस छोड़ते समय संत गति से पूरी सांस छोड़ने का प्रयास, पूरा ध्यान प्राणायाम की ओर। कोई जल्दबाजी से नहीं करेंगे, झटका देते हुए नहीं करेंगे, एकदम शांत स्थिति में प्राणायाम जारी रखिए। अपने चेहरे पर आनंद ही आनंद रखिए और पूरा ध्यान अपने सांस पर, प्राण शक्ति पर। नाक के अग्रभाग में अगर आप ध्यान रखते हो तो प्राण शक्ति महसूस करते हो, सांस भी महसूस कर सकते हो। पूरा ध्यान नाक के अग्रभाग में, तो सांस भरते समय बाहर से जो शुद्ध हवा आ रही है उसका ठंडापन आपको महसूस होगा, उसे ध्यान से देखें। उसी प्रकार सांस छोड़ते समय जो शरीर की अशुद्ध हवा है बाहर आ रही है उसका हल्का सा गर्म स्पर्श भी नाक के यहाँ महसूस हो रहा है, ध्यान से देखिए। सांस भरते शुद्ध हवा का ठंडापन और सांस छोड़ते अशुद्ध हवा का हल्का गर्म स्पर्श, पूरा ध्यान प्राण शक्ति की ओर। सांस भरते समय भरपूर प्राण शक्ति शरीर के अंदर भर लीजिए और सांस छोड़ते समय सारी अशुद्ध हवा बाहर छोड़ दीजिए। शांत, पूरा ध्यान अपने प्राणायाम की ओर। जो शुद्ध हवा हम अंदर भर रहे हैं वो सांस नली के जरिए पूरे फेफड़ों में पूरी तरह भर रही है। हर एक वायु कोश परिपूर्ण रूप से भरने की कोशिश है और छोड़ते समय भी पूरी हवा सारी अशुद्धि बाहर छोड़ने का प्रयास, अंतिम अवस्था तक सांस छोड़ते रहिए, फिर भरपूर हवा भरते रहिए। जितनी सांस हम बाहर छोड़ते हैं उतनी बाहर की शुद्धि ज्यादा भर सकते हैं, इसलिए सांस छोड़ना इस पर ज्यादा ध्यान दें। इस दीर्घ श्वसन से बहुत सारे लाभ हम पा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ऑक्सीजन की जो क्षमता है परिपूर्ण होने के कारण पूरे दिन भर एक फ्रेशनेस, एक उत्साह, तरतरी, चैतन्य हम अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि ये शुद्ध हवा के कारण हमारा ब्लड सर्कुलेशन
और ब्लड प्यूरिफिकेशन दोनों भी अच्छे से कार्यक्षम होने लगता है और जिसका रिजल्ट है फ्रेशनेस महसूस करना। उसी के बाद थकान नहीं होगी, दिन भर के काम करते समय उत्साह आप महसूस करोगे। ऐसे बहुत सारे फायदे आपको इसमें मिलते हैं, तो पूरे ध्यान से करना है। क्योंकि जब हम दीर्घ श्वसन सीखे थे उसी समय मैंने आपको बताया है कि फेफड़ों की जो क्षमता है ये करीबन 6000 सीसी, 5800 सीसी ये विज्ञान का कहना है, और उससे हम ज्यादा से ज्यादा भरने के प्रयास प्राणायाम में करते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग में सिर्फ आधा लीटर ही हवा भरते हैं और यहाँ हम 4 लीटर 5 लीटर इतनी हवा भरने के कारण ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में हमें मिलता है। ऑक्सीजन क्या कार्य करता है सब दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं। पूरी जिंदगी पूरा जीवन हमारा ऑक्सीजन पर ही निर्भर है। इसलिए प्राणायाम करते समय पूरा ध्यान प्राणायाम की हो, पूरी क्षमता से प्राणायाम करने की कोशिश, अर्थात थकान होती है, अस्वस्थ होता है तो आप रिलैक्स हो सकते हैं, थोड़ा रुक सकते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आनंद ही आनंद इस अवस्था में प्राणायाम करते रहे। बहुत ही अच्छी कोशिश है आपकी, इसी प्रकार करते रहना है। ओके, अच्छे मन का और सांस का बहुत ही नजदीकी संबंध है, इसीलिए प्राणायाम करने से मन की शांति भी बढ़ती है, मन की एकाग्रता भी बढ़ती है। और मन के बारे में अगर कोई समस्याएं हैं जैसे तान तनाव होना, इसके लिए तनाव के कारण बहुत सारे बीमारियां होती हैं, तो सारी बीमारियां इसके कारण निकल जाती है। इसलिए जितना आसनों का अभ्यास महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा प्राणायाम का अभ्यास महत्वपूर्ण है। इसलिए कम से कम 10 मिनट रोज प्राणायाम करना आवश्यक है। आप दीर्घ श्वसन कर सकते हैं, आगे वाले प्राणायाम भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप सीखते जाओगे आगे आगे अलग अलग प्राणायाम भी बहुत सारे आपको मालूम हो जाएंगे। फिलहाल तो हम सुलभ प्राणायाम करें वो भी सारे लाभ प्राप्त सकते हैं। इसलिए रोज कम से कम 10 मिनट प्राणायाम की ओर ध्यान रखना जरूरी है। या आपको ध्यान में रखना है कि ग्रंथों में इसका वर्णन है कि सारी प्रकार की बीमारियां प्राणायाम से निकल जाती है, लेकिन योग्य पद्धति से प्राणायाम करें तो ये योग्य पद्धति है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, अब जो आवर्तन आपका चल रहा है उसे पूरा करें। सांस छोड़ने के बाद रुकना है, शांत बैठे शांत, और इसी शांत अवस्था में ओंकार के लिए तैयार शुरू करते हैं।
आंखों पर रख दीजिए, बाहर के प्रकाश का अंदाज लेते हुए आराम से हाथ मुझे आइए, खोल दीजिए। पर्वतासन करते हैं, तो शरीर को पूरा ऊपर खींच लीजिए, तनाव निकाल दीजिए। पर्वतासन छोड़ना है, तो शरणागत मुद्रा करें, तो अपनी योग साधना ईश्वर के चरणों में अर्पण कर लीजिए। मुद्रा छोड़ेंगे, तो पद्मासन छोड़ना है, दो तीन चार, धीरे छोड़ दीजिए। कुछ तना हुआ रहे, मुंगिया हुई है, रिलैक्स होने दीजिए। बैठक स्थिति से दंड स्थिति, एक दो तीन, वृक्षासन करेंगे, एक हाथ बार दूसरे ऊपर नमस्कार स्थिति में, दो पूरा शरीर ऊपर खींचिए, एड़िया भी ऊपर हाथ खींचिए, बहुत ही अच्छे आसन छोड़ेंगे। एड़िया जमीन पर, हाथ बाजू से नीचे, दो, हरिओम।